देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हाँ, उनके हैं कमरा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने YouTube चैनल मनी मस्ती पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम टाटा मोटर्स लिमिटेड के बारे में बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, इससे जुड़ी हुई खबरों की चर्चा करेंगे और इसमें आज गिरावट के क्या कारण थे, आगे की क्या हो रणनीति, इसकी चर्चा करेंगे। साथ ही आपको आपकी पोजिशंस के लिए स्टॉप लॉस और टारगेट भी बताएँगे। दोस्तों, फंडामेंटल और टेक्निकल्स के आधार पर टाटा मोटर्स का आकलन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबा दें, अपने फैमिली मेंबर्स दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत प्रीवियस के कारोबार से 329.40 रुपये का क्लोजिंग प्राइस आप पा रहे हो, 2.89% की गिरावट। साथ में प्रीवियस क्लोज का आंकड़ा देखें, 339 का ओपन, 333 का हाई लगाया, 337 का लो बना दोस्तों, 328 का। बात करें इसके क्लोजिंग प्राइस की तो लो के करीब निश्चित रूप से एक वीक क्लोजिंग मानी जाएगी। क्वांटिटी ट्रेडेड की बात करें दोस्तों तो 1,86,00,000 की क्वांटिटी ट्रेड हुई है, 95,00,000 की डिलीवरेबल क्वांटिटी दोस्तों, परसेंटेज में 51.25। साथ में डिलीवरी का फिगर देख लें दोस्तों, बात करेंगे 20 दिनों की, प्रीवियस के 20 दिनों की डिलीवरी का आंकड़ा 15 फरवरी से 5 मार्च तक की बात हो रही है दोस्तों। जो नीले कलर की लाइन्स आप देख रहे हो हमेशा की तरह डिलीवरी वॉल्यूम, साथ में गुलाबी कलर की लाइन्स जो आप देख रहे हो वो डिलीवरी वॉल्यूम परसेंटेज है। अगर हम बात करें दोस्तों, 15 फरवरी से लगातार इंक्रीजमेंट देखने को मिली है। खास आंकड़ा दोस्तों 25 फरवरी, 26 फरवरी, साथ में 5 मार्च, 3 मार्च, 2 मार्च को डिलीवरी वालों में दिखा है। साथ में परसेंटेज की बात करें तो 18 फरवरी, 25 फरवरी, 24 फरवरी, 26 फरवरी, साथ में 3 मार्च और 5 मार्च को काफ़ी आंकड़ा शानदार रहा। चलिए दोस्तों, अब साथ में हम इसके टेक्निकल्स पैरामीटर की चर्चा करते हैं आपके सामने। रिटर्न प्रोफाइल, 1 वीक का 0.68% की तेजी, 357 का हाई, 319 का लो। साथ में 1 महीने का आंकड़ा देखें, 2.93% की तेजी, 357 का हाई, 301 का लो। इसके अलावा 3 महीने का आंकड़ा देखें, 76% की तेजी देखने को मिली है, 357 का हाई, 156 का लो। 6 महीने का आंकड़ा देखें, 119% की तेजी, 357 का हाई, 122 का लो। साथ में 1 साल का आंकड़ा देखें, 158% की तेजी, 357 का हाई, 63 का लो। 3 साल का आंकड़ा देखें दोस्तों, 7% की गिरावट देखी जा रही है, 372 का हाई, 63 का लो। जहाँ दोस्तों बात करेंगे 5 साल के पैरामीटर की, 5.3% की गिरावट, 598 का हाई, 63 का लो। इसके अलावा 10 साल का आंकड़ा देख ले दोस्तों, 38% की तेजी, टाटा मोटर्स में 612 का हाई, 63 का लो। दोस्तों साथ में पीवट का आंकड़ा देख लें, 3 रेजिस्टेंस दिखाई पड़ते हैं, 343 के, 348 के, 352 के। इसके अलावा 3 सपोर्ट की बात करें, 335 का पहला, 332 का दूसरा, 327 का तीसरा। पीवट के हिसाब से दोस्तों ये रहे सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब हम टाटा मोटर्स से जुड़ी हुई खबरों की शुरुआत करते हैं। आपके सामने एक हेडलाइन है, टाटा मोटर्स पोस्ट सेल्स ग्रोथ ऑफ 54% इन फरवरी 2021। जहां दोस्तों इस खास खबर की चर्चा करें आपके सामने है, यात्री वाहनों के सेगमेंट की बात करें तो कंपनी ने पिछले महीने 27,225 यूनिट बिक्री की, जो कि पिछले साल फरवरी में बेची गई 12,430 यूनिट के मुकाबले 119% बढ़ोतरी है। मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में इसकी चर्चा की थी दोस्तों कि इनके सेल्स में ज़बरदस्त जंप देखने को मिलेगी आने वाले समय में। टाटा ने कहा फरवरी 2021 में यात्री वाहनों की बिक्री लगभग 9 वर्षों में सबसे अधिक है। वाणिज्यिक वाहनों की श्रेणी में निर्यात के आंकड़े सहित कुल बिक्री फरवरी में 33,966 इकाई थी, जो फरवरी 2020 में रिकॉर्ड की तुलना में 21% है। साथ ही साथ टाटा ने यह भी बताया कि अपनी प्रमुख एसयूवी सफारी के अलावा टाटा ने एल्ट्रोज में आई टर्बो वेरिएंट और इसके हैचबैक टियागो के लिए एक सीमित संस्करण मॉडल भी पेश किया है। आगे बढ़ते हुए टाटा ने माइक्रो एसयूवी कोड नाम HBX विकसित कर रहा है, जो इस साल के अंत में भारतीय सड़कों पर आने की उच्च संभावना है। साथ ही साथ इन्होंने अपने कई मॉडल्स के दाम भी घटाए हैं। दोस्तों अन्य खबरों की तरफ आगे बढ़ें तो चंद्रशेखरन जी का बयान आया है, टाटा टू गो सोलो, नो टाई अप विथ टेस्ला।
जी हाँ दोस्तों, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने टेस्ला के साथ साझेदारी के बारे में सभी अटकलों पर विराम लगाते हुए बुधवार को कहा, भारत में साझेदारी के लिए एलोन मस्क के स्वामित्व वाली कार कंपनी के साथ कोई बातचीत नहीं है, जब हम करेंगे अपने दम पर ही करेंगे, टेस्ला के साथ कोई संवाद नहीं है, चंद्रशेखरन ने TOI को बताया, क्योंकि उन्होंने टाटा मोटर्स और इसकी ब्रिटिश सहायक कंपनी जगुआर और लैंड रोवर की आक्रामक योजनाओं के बारे में इलेक्ट्रिक वाहनों में बताया था। टाटा सन्स के प्रमुख ने कहा, टाटा मोटर्स और GLR के तहत उत्पाद अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और इस समय किसी भी बाहरी भागीदार की कोई आवश्यकता नहीं है। टाटा समूह ने टेस्ला के बीच आसन्न साझेदारी के में मीडिया में व्यापक अटकलें लगाई जा रही थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर जुबान पर, जो स्टेटमेंट दिया गया था या जो ट्विटर हैंडल के माध्यम से अफवाहें चल रही थी उसको नकारा है चंद्रशेखरन जी ने। वहीं दोस्तों, इस अफवाह के चलते इसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिलेगी बात करें चंद्रशेखरन की TOI की टिप्पणी से पहले साझेदारी पर टेस्ला या टाटा समूह की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई है। टेस्ला ने भारत में एक कार्यालय पंजीकृत किया और यह बेंगलोर में किया है। कंपनी को रजिस्टर्ड टेस्ला मोटर्स इंडिया एंड एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड कहा जाता है। यह उम्मीद की जा रही है कि कंपनी वर्तमान में अपने लंबे समय से प्रतीक्षित भारत में प्रवेश के लिए जमीनी कार्य कर रही है। टाटा समूह इलेक्ट्रिक वाहनों के कारोबार में मजबूत हो रहा है। भारत के मोर्चे पर नेक्सान मिनी SUV के इलेक्ट्रिक संस्करण को एक स्वस्थ प्रक्रिया मिली है और कंपनी अधिक संस्करणों को देख रही है, जिसमें अल्ट्रोज हैचबैक भी शामिल है। लग्जरी तरफ GLR 2025 तक पूरी तरह से इलेक्ट्रिक हो जाएगा। टाटा सन्स के प्रमुख ने यह भी मेंशन किया, GLR के सभी इलेक्ट्रिक उत्पाद भारत में ही होंगे। दोस्तों, अगली खबर इनके कर्मचारियों के से जुड़ी हुई है। टाटा ओन जैगुआर लैंड रोवर फायर्स 1/3 ऑफ इंडिया स्टाफ। दोस्तों, इस वर्ष के शुरुआत से ही इसमें छंटनी कर्मचारियों की अफवाहें थी, लेकिन कर्मचारियों को यह विश्वास करने के लिए बनाया गया था कि जो विश्व स्तर पर GLR के लिए बहुत छोटा बाजार है को बक्सा जा सकता है, इसलिए यह कई लोगों के लिए एक झटका के रूप में आया है। एक अन्य कर्मचारी ने कहा कि शालीनता की झूठी भावना थी, क्योंकि GLR की मूल कंपनी टाटा मोटर्स एक भारतीय इकाई है, इसलिए यह अपने भारतीय कर्मचारियों को नहीं छुएगी। उन्होंने कहा, इस तरह से बर्खास्त करने से आश्चर्य होता है कि अगर कोई कारोबारी माहौल देखता है तो यह कोई दिमाग नहीं है शीर्ष प्रबंधन को, हालांकि इससे अछूता छोड़ दिया गया है। GLR में सफ़ेद कॉलर नौकरियों की कुल संख्या कम है, भले ही लोगों की संख्या कम हो, प्रतिशत के संदर्भ में यह काफ़ी अधिक है। दूसरी तरफ इन लोगों को टाटा समूह द्वारा आसानी से अवशोषित किया जा सकता है, लेकिन दुर्भाग्य से नहीं किया गया। जब बिजनेस टुडे से संपर्क किया गया तो GLR ने एक विस्तृत बयान देते हुए कहा, यह कार्यबल के लिए सही लागत संरचना खोजने के लिए, एक बोली की दक्षता बढ़ाने के लिए किया जा रहा है। यह उन कर्मचारियों की संख्या पर विशिष्ट प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहा है जो उन्हें दिए जा रहे विच्छेद पैकेज का ब्यौरा देते हैं, या शीर्ष प्रबंधन की वेतन गिराया गया है। हमारी भविष्य की रणनीति हाल ही में घोषित की गई, इसमें न केवल हमारे ब्रांड वाहनों की योजनाएं शामिल हैं, बल्कि यह भी है कि हमें पूरे व्यवसाय को कैसे पुनः तैयार करेंगे। जैसा कि हम चुस्त संगठन बनाने के लिए अपनी यात्रा शुरू कर रहे हैं, यह जरूरी है कि हम हर संभव दक्षता को सही से बनाएं। बयान में ये भी कहा गया कि हमारे कार्यबल के लिए सही आधारभूत लागत खोजने से शुरू करेंगे, गुणवत्ता और लाभ से आयतन दृष्टिकोण के माध्यम से मूल्य सृजन को प्राथमिकता देने के लिए नए सिरे से आवश्यक होने के साथ हम कर्मचारियों को सशक्त बनाने और गति प्रदान करने और एक स्पष्ट रूप से तैयार करने के लिए डिजाइन की गई चापलूसी संरचना बनाने की प्रक्रिया में हैं। हमें इसे कम करने की आवश्यकता है, लागत आधार पर दुबली नींव प्राप्त करने के लिए, जो हमें सबसे प्रभावी रूप से अधिक चुस्त संगठन में बदलने की अनुमति देगा। संगठनात्मक डिजाइन गतिविधि पहले ही शुरू हो गई है, इसका मतलब है कि व्यवसाय के भीतर कुछ कार्य आकार में बढ़ सकते हैं और अन्य भविष्य की दृष्टि से प्रतिबिंबित करने के लिए कम कर सकते हैं। GLR को भारतीय लग्जरी कार बाजार में पिछड़ापन माना जाता था, जो कि पिछले 5 वर्षों में अपने आप नहीं बढ़ा है। साथ ही साथ अगर हम बात
रहे ब्रिटिश बांडों में 2020 में अपनी बिक्री 74% गिरावट देखी गई और बाजार में 10% अंक का नुकसान हुआ। इसकी तुलना में व्यापार में सबसे बड़ी मर्सिडीज बेंच में 43% गिरावट, साथ में BMW में 32% और RD में 63% की गिरावट देखी गई। चलिए दोस्तों, अब हम फंडामेंटल की शुरुआत करते हैं सीधे शेयर होल्डिंग समरी से। टाटा मोटर्स की बात हो रही है, प्रमोटर्स का हिस्सा 42.4%, पब्लिक का हिस्सा 29.3%, साथ ही म्यूचुअल फंड की बात करें 7.6% के नियर अबाउट दिखाई देता है। FIs का आंकड़ा 15.6%। अगर हम हिस्ट्री चेक कर लें दोस्तों, आपके सामने हिस्ट्री है प्रमोटर्स की। दिसंबर 2018 की हम बात करेंगे 37.3%, 42.4% दिसंबर 2019 एक साल बाद, साथ में दिसंबर 2020 में 42.4%। तो इनके में इंक्रीजमेंट देखने को मिली है दोस्तों। पिछली तिमाही में भी इन्होंने इंक्रीजमेंट दिखाई थी, ऐसा मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया था दोस्तों। साथ ही प्लज परसेंटेज की अगर हम बात करें 4.8 का दिखाई पड़ता है दिसंबर 2008 में, दिसंबर 2019 में एक साल बाद 4% पर, साथ में दिसंबर 2020 में 4% पर। तो प्लेज परसेंटेज में घटोतरी देखने को मिली है। साथ ही साथ इन्होंने अपनी होल्डिंग्स को भी इंक्रीज किया, बहुत ही पॉजिटिव संकेत। साथ में म्यूचुअल फंड की होल्डिंग देखें तो दिसंबर 2018 में 8.6 पर, एक साल बाद 7.3 पर, साथ ही दिसंबर 2020 में 5.1 पर। म्यूचुअल फंड लगातार हिस्सेदारी घटा रहे हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें FIs के आंकड़े की तो दिसंबर 2018 में 19%, इसके अलावा दिसंबर 2019 की बात करें एक साल बाद 18.3%, इसके बाद दिसंबर 2020 में 15.6% पर टाटा मोटर्स में FIs की हिस्सेदारी है। तो FIs ने भी माल घटाया दोस्त। चलिए दोस्तों, कंपनी के कारोबार की तरफ आगे बढ़ते हैं। 18% अदर्स का आंकड़ा है, साथ में चाइना में कारोबार करती है 11%, रेस्ट ऑफ द यूरोप में 17%। इसके साथ हम इंडिया का भी देख लेते हैं दोस्तों, 18% इंडिया में कारोबार है, साथ में USA में 20%, UK में 16%। वहीं अगर हम बात करें रेवेन्यू का आंकड़ा कहाँ से आता है दोस्तों, अदर्स का आंकड़ा 1% दिखाई पड़ता है, साथ में व्हीकल फाइनेंस से 2% रेवेन्यू जनरेट करती है कंपनी, जगुआर लैंड रोवर से 79%। जी दोस्तों, महत्वपूर्ण आंकड़ा है टाटा मोटर्स के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों कमर्शियल व्हीकल से 14%, साथ में पैसेंजर व्हीकल से 4% दिखाई पड़ता है। साथ में इनके मार्केट शेयर की चर्चा करें दोस्तों तो पैसेंजर व्हीकल्स में 7.9% मार्केट शेयर है। इसके अलावा इनके इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स की बात करें तो लाइट कमर्शियल व्हीकल में 44.9% मार्केट शेयर है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कमर्शियल व्हीकल्स मार्केट शेयर 45.1% पर दिखाई पड़ता है। तो इनसे जुड़े हुए अन्य पैरामीटर्स की बात करें तो कमर्शियल व्हीकल में इनका फरवरी 2021 में 31,248 का सेल्स हुआ है। अगर हम बात करें इसके अलावा लाइट कमर्शियल व्हीकल की बात करें तो 22,477 फरवरी 2021 का आंकड़ा। इसके अलावा अगर हम बात करें MHCV सोल्ड का आंकड़ा 8,771 पर दिखाई पड़ता है। डोमेस्टिक की बात हो रही दोस्तों, साथ में इनके पैसेंजर व्हीकल्स का आंकड़ा देखें तो घरेलू बिक्री 27,225 पर दिखाई पड़ती है। इसके अलावा अगर हम बात करें जगुआर लैंड रोवर का, जो कि इनका अच्छा रेवेन्यू जनरेट करता है दोस्तों, 37,856 पर दिखाई पड़ती है सितंबर 2020 का आंकड़ा दोस्तों। साथ ही साथ अगर हम बात करें जगुआर व्हीकल्स सोल्ड की सितंबर 2020 के मुकाबले तो 9,115 पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा लैंड रोवर व्हीकल्स की बात करें 28,740 करोड़ का आंकड़ा आपके सामने दोस्तों। साथ में कंपनी को एक नज़र में देखें तो मार्केट कैप 1,14,845 करोड़ का, साथ में इंटरप्राइज वैल्यू 2,06,010 करोड़ का दिखाई पड़ता है। अगर हम बात करें इनके डेप्ट की तो 1,15,374 करोड़ का है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मार्केट कैप के मुकाबले डेप्ट भी काफ़ी अच्छा है। अगर हम बात करें दोस्तों डेप्ट टू इक्विटी की तो 2.28 का दिखाई पड़ता है। निश्चित रूप से और डेवलपमेंट की गुंजाइश है दोस्तों। साथ ही प्राइस टू बुक वैल्यू की बात करें 2.13 का दिखाई पड़ता है। इनके इंटरेस्ट कवरेज रेशियो का आंकड़ा देखें दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, नेगेटिव में दिखाई पड़ता है। डेप्ट के मामले में तो कंपनी वीक दिखाई पड़ती है। वहीं दोस्तों रिटर्न ऑन इक्विटी की बात कर ले तो 10 साल का आंकड़ा 15%, 5 साल का आंकड़ा 5% पर दिखाई पड़ता है। इसके अलावा अगर हम 3 साल की आंकड़े की बात करें तो -2 पर, लास्ट ईयर का -16 पर। अन्य आंकड़ों की बात करें तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का आंकड़ा आपके सामने, एक साल का -12%, 3 साल का 0.13%, 5 साल का 0.49।
साथ में प्राइस टू कैश फ्लो की बात करें तो -74.21 का दिखाई पड़ता है। दोस्तों इनके प्रीवियस के परफॉर्मेंस तो अच्छे नहीं दिखाई पड़ते हैं। साथ में हम रिजल्ट की बात कर लें दोस्तों, तुलना करेंगे दिसंबर 2020 की सितंबर 2020 से, क्वार्टर थ्री की तुलना क्वार्टर टू से नेट सेल्स में जंप 41% की दोस्तों। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 1024% से इंक्रीज किया है। वहीं दोस्तों साथ में एनुअल क्वार्टर की चर्चा करें दिसंबर 2020 की तुलना दिसंबर 2019 से नेट सेल्स में चेंज दिखाई पड़ रही है 5.55% की। साथ में कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट का आंकड़ा 67% इंक्रीज हुआ है दोस्तों। काफ़ी बेहतर रिजल्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर चाहे एनुअल क्वार्टर। जी हाँ दोस्तों, सेल्स और नेट प्रॉफिट में तो इम्प्रूवमेंट दिखाई दे रही है। साथ में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की आंकड़े को देख लें तो दिसंबर 2020 में 16.20, सितंबर 2020 में 11.54, दिसंबर 2019 में दोस्तों 10.41। तो एनुअल क्वार्टर में भी जंप दोस्तों ज़बरदस्त ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में, साथ में क्वार्टर ऑन क्वार्टर में भी शानदार जंप देखने को मिली है। साथ में इनसाइडर ट्रेडिंग का आंकड़ा देखें आपके सामने, प्रमोटर्स की है 3 फरवरी में टाटा मोटर्स DVR, साथ ही साथ टाटा मोटर्स लिमिटेड में भी। टाटा मोटर्स DVR की बात करें दोस्तों 23 करोड़ की क्वांटिटी बाई की गई है प्रमोटर्स की तरफ से, जो इनके बाद इसकी होल्डिंग 43.08 से बढ़कर 6.43% यह क्वांटिटी ट्रेड होती है दोस्तों। अगर हम बात करें 112 रुपये के प्राइस पर अब इनकी होल्डिंग 43.08% हो गई है। वहीं दोस्तों साथ में 4 मार्च को एवरेज प्राइस 345 रुपये के ऊपर क्वांटिटी 5,18,902 क्वांटिटी ट्रेडेड दिखाई पड़ रही। जी हाँ दोस्तों, खास खबरों की चर्चा करने के बाद साथ में फंडामेंटल और टेक्निकल रिव्यू के लेने के बाद हम आ गए हैं टाटा मोटर्स के चार्ट एनालिसिस पर। हम बात करेंगे दोस्तों 1 डे टाइम फ्रेम की, जिसमें कैंडलस्टिक जो आप देख रहे हो वो निश्चित रूप से बियरिश कैंडलस्टिक है। साथ में वॉल्यूम सपोर्ट करता हुआ MACD का आंकड़ा नेगेटिव, RSI का आंकड़ा नेगेटिव। जी हाँ दोस्तों, 1 वीक का आंकड़ा देखें तो जो कैंडलस्टिक आप देख रहे हो वो शानदार कैंडलस्टिक नहीं दिखाई पड़ती, एक बियरिश कैंडलस्टिक है दोस्तों। साथ में इसका ट्रेंड नेगेटिव दिखाई दे रहा है। वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम भी काफ़ी सपोर्टिव है, बीते दिनों MACDA का आंकड़ा भी काफ़ी पॉजिटिव है, RSI का आंकड़ा न्यूट्रल टू पॉजिटिव है। इसके अलावा अगर हम बात करें 1 मंथ के चार्ट पर तो आपको ध्यान से देखना चाहिए दोस्तों, कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस फेस हो रहा है दोस्तों 350 के लेवल पर। जी हाँ दोस्तों, 350 के लेवल पर टाटा मोटर्स में रेजिस्टेंस है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसमें गिरावट की संभावना मंथली चार्ट पर दिखाई नहीं पड़ती है। वॉल्यूम की बात करें काफ़ी शानदार वॉल्यूम में, MACDA का आंकड़ा काफ़ी शानदार, RSI का आंकड़ा भी काफ़ी शानदार बना हुआ है, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी 350 के नियर अबाउट रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें टाटा मोटर्स में शॉर्ट टर्म मेंबर्स के लिए टारगेट और स्टॉप लॉस की, तो आपको टारगेट रखना चाहिए 350 रुपये का। जी हाँ दोस्तों, पहला टारगेट 345 से 350 का ही होना चाहिए, चूँकि ये करेक्शन मोड में अभी बना हुआ है, एक रेंज बाउंड मोड में बना हुआ है, तो आपको एक स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए दोस्तों 300 रुपये के नियर अबाउट। जी हाँ दोस्तों, 300 रुपये से 300 से 305 के नियर अबाउट आपको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। जो मीडियम टर्म मेंबर्स हैं उनको एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 275 रुपये का। जहाँ इसके नीचे जाने पर आपको क्विक एग्जिट कर जाना चाहिए टाटा मोटर्स में से। साथ में लॉन्ग टर्म मेंबर्स की बात करें तो आपको अपनी SIP जारी रखनी चाहिए, साथ ही साथ अपने पोजीशंस में बने रहने चाहिए दोस्तों। अभी भी ट्रेंड इसका पॉजिटिव बना हुआ है। अगर हम बात करें दोस्तों टारगेट की, तो 450 से लेकर 550 तक दिखा आसानी से देखने को मिल सकते हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था दोस्तों 450 के नियर अबाउट प्रमोटर्स की ऑलरेडी बाइंग है, तो वहाँ तक जाने का दमखम तो ज़रूर टाटा मोटर्स रखता है। दोस्तों ये थी छोटी सी अपडेट टाटा मोटर्स लिमिटेड पर, मिलते हैं अगली वीडियो में इससे बड़ी रिपोर्ट के साथ। अभी तक हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारा वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।